हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम गजरा बनाने वाले हैं। ये क्रोशिये से बनाया गया है और इसको बनाने के लिए टोटल यहाँ पे 15 ग्राम वूल हमारी वाइट कलर की लगेगी और 12 नंबर का क्रोशिया हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बनाने में बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीन कलर लेंगे। ग्रीन कलर से ऐसे नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे चेन। तो देखिए यहाँ पे हमें चेन बना लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो यहाँ पर टोटल हमने 50 की चेन है जो बना ली है। अब यहाँ पे देखिए इतना ये हमारा साइज है। तो अब यहाँ पर 2 की चेन हमने देखी, यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर जो 2 की चेन हमने बनाई है इसको स्किप कर देंगे। फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को एक बार आगे करना है, ऐसे 2 बार बाहर निकाल देना है। तो देखिए हम फिर से धागे को आगे किया और 2 बार हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। तो ये जितनी भी चेन है फ्रेंड, सभी के ऊपर हमें एक एक ऐसे करके फंदा बना देंगे। तो इस तरह ये पूरा राउंड हमें लास्ट तक कम्प्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ग्रीन कलर को कट कर देना है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे वाइट कलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने वाइट कलर को ऐड कर लेना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 की चेन हम यहाँ पे बनाएंगे। धागे को आगे करेंगे, जहाँ पे हमने चेन बनाई है वहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरह 4 डबल क्रोशिया और 1 चेन, टोटल 5 फंदे हो गए हैं। इसे हम फंदे को निकालेंगे। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने चेन बनाई थी, वहाँ से ऐसे करके ये फंदे को हम निकालेंगे। देखिए तो इस तरह यहाँ पे एक हमारा पफ है जो बन जाएगा। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और ऐसे जहाँ पे हमने ये पफ बनाया है वहीं पर इसको लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हमें लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगले में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो दूसरी वाला सिंगल क्रोशिया बना है वहीं पे हमें चेन बना लेनी है। 2 की चेन बनाएंगे और वहीं पे फिर से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। 1, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। तो 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर से 1 चेन, टोटल 5 हो गए हैं। तो फिर से ऐसे क्रोशिया को बाहर निकालेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से ऐसे करके फंदे को बाहर निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे देखिए पैटर्न बन रहा है। फिर अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ को लॉक करेंगे 3 की चेन बनाते हुए। फिर नेक्स्ट वाला जो फंदा है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 की चेन बनाएंगे और ऐसे पफ है जो लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब दूसरी साइड भी हमें सेम ऐसे ही पफ रेडी कर लेने हैं। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अब 2 की चेन बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे 5 फंदे बना लेने हैं। 5 फंदों का एक करेंगे इस तरह। यहाँ पे भी एक पफ है जो रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ऐसे पफ बना लिया है। फंदे को ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक दो बार प्रैक्टिस करने से इजी से हो आप सबको आ जाएगा। फिर से 3 की चेन बना लेंगे और जहाँ पे हमने ये पफ बनाया है वहीं पे इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में सेम देखिए ऐसे ही 1 सिंगल क्रोशिया,
फिर टू सिंगल क्रोशिया, और जहाँ पे हमने ये टू सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पे हमें टू की चेन बना लेनी है। फिर वही सेम ऐसे ही पांच फंदे यहाँ पे भी बना लेंगे। पांच फंदों का फिर यहाँ पे एक करेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स लास्ट तक ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों साइड ही बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है, वहाँ पे हमें दोनों साइड बना लेने हैं। सेम ऐसे ही पफ यहाँ पे भी बनाते जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो आप सबको डबल क्रोशे दिख रहा है, पहला ही डबल क्रोचे देखिए ऐसे करके हम यहाँ पे लेंगे। पहले हमने टू की चेन बना ली है, तो इसी फंदे के अंदर यहाँ पे हमें पांच डबल क्रोचिया बना लेने हैं। चार डबल क्रोचिया और वन चेन, टोटल पांच फंदे हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले की तरह सेम वैसे ही हमें फिर क्रोशिया को बाहर निकालते हुए एक पफ है जो रेडी करेंगे। क्रोशिया हमने निकाल दिया है, तो जहाँ पे देखिए ऊपर वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से ऐसे करके हमें फंदे को निकाल देंगे। फिर से थ्री की चेन बनाएंगे और जहाँ पे हमने फंदा स्टार्ट किए हैं वहीं पे इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें इसको ऐसे लॉक कर देना है। फिर पीछे वाला एक और फंदा है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो उसके अगला फंदा है वहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जहाँ पे ये दूसरा सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है यहीं पे हमें टू की चेन बनाते हुए पफ जो रेडी कर लेना है। तो इसी तरह लास्ट तक गाइस ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इतना गजरा हमने रेडी कर लिया है। देखिए लास्ट तक अब यहाँ पे देखिए हमें चेन बना लेनी है। तो यहाँ पे हमें 20 की चेन बनाएंगे। देखिए पहले इसको लास्ट तक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें 20 की चेन है जो बना लेनी है। अब चाहे तो यहाँ पे जैसे भी आपको सही लगे तो यहाँ पे भी धागा कट कर सकते हैं। एक यहाँ पे देखिए इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए हमारे यहाँ पे तीन साइड है जो बन चुकी हैं। अब लास्ट देखिए ये नीचे वाली बची है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर के फंदे आप सबको दिख रहे हैं यहीं पे हमें सेम वैसे ही टू की चेन बनाते हुए पफ है जो रेडी करेंगे। पांच फंदे बनाएंगे, पांच फंदों का यहाँ पे एक करेंगे। सेम वैसे हम यहाँ पे जितने भी ये ग्रीन कलर के हमारे डबल क्रोशिया बचे हुए हैं चौथी वाली साइड, तो वहाँ पे हमें ऐसे पफ है जो रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा बहुत ही सुंदर गजरा जो है रेडी हो चुका है। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो।